Finally, we are going to tell you about Silo's first theorem. Silo's first theorem tell about existence of subgroup of prime power order. यानी किसी फाइनाइट ग्रुप में सब ग्रुप के बारे में सिलो फर्स्ट थ्योरम आपको बताएगा. सब ग्रुप एग्जिस्टेंस के बारे में सिलो फर्स्ट थ्योरम आपको बताएगा. सो दिस इज टेल अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप. दिस इज सब ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर. यानी सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा पी टू द पावर के टाइप का ही होगा. सो हम स्टेटमेंट में देख लेते हैं. हियर सिलो फर्स्ट थ्योरम से लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड लेट पी बी ए प्राइम इफ पी रेस टू के डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी देन ग्रुप जी हैज एट लीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेस टू के. यानी कौशी भाई साहब कह रहे थे कि अगर प्राइम जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उसके पास उस प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. बट यहाँ पे सिलो भाई साहब आ गए और वो कह रहे कि उसके पास पी टू द पावर के ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा अगर पी टू द पावर के ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो. यानी मुझे तो लग रहा है कि ये कौशी थ्योरम को एक्सटेंड किया है उन्होंने सिलोज फर्स्ट थ्योरम में. यानी वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट की बात हो रही थी कौशी थ्योरम में, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ द सब ग्रुप ऑफ प्राइम पावर्ड के बारे में बात हो रही है. सो इसका प्रूफ तो हम करवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन में ध्यान देते हैं हम, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एक्चुअली उनका फोकस एप्लीकेशन में ही होता है. हाउ टू अप्लाई द थियरम एंड हाउ टू गेट रिजल्ट फ्रॉम द थियरम. तो फर्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, देन हम इसका प्रूफ कराएंगे. एग्जाम्पल वन, लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 48. तो इसके पास पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या क्या होंगे वो हमें एक्चुअली बताना है. तो इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते 2 raised to 4 into 3. अब देखिए इसका यूज कर रहे हैं हम सिलो फर्स्ट थ्योरम का. सिंस प्राइम हियर टू डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी इज 48, टू डिवाइड 48 इट इम्प्लाई जी हैज एट लीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू. जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, जो डिवाइड करेगा उसी ऑर्डर का सब ग्रुप, कम से कम एक सब ग्रुप तो होगा ही होगा जी के पास. ये सिलो फर्स्ट थ्योरम कह रहे हैं, तो कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने प्रूफ भी दिया है. वैसे तो हम नहीं मानते, मानना पड़ेगा, प्रूफ के साथ है. ठीक है, ऑब्वियस कुछ भी नहीं होता मैथमेटिक्स में. वन ऑफ द डेंजर वर्ड इन द मैथमेटिक्स इज ऑब्वियस. ऑब्वियस कुछ भी नहीं होता है. टू स्क्वायर मीन्स फोर. टू स्क्वायर डिवाइड 48 ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे जो है टू भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए प्राइम फैक्टर किया है कि हमें डायरेक्ट पता चले कि इसको कौन कौन से पी टू द पावर के डिवाइड कर रहा है. यानी टू कर रहा है, टू स्क्वायर भी कर रहा है. सो जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू स्क्वायर यानी फोर. ऑर्डर फोर का सब ग्रुप इसके पास होगा ही होगा. सो टू क्यूब डिवाइड 48 ऑल्सो. सो जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 हियर. टू टू द पावर 4 ऑल्सो डिवाइड 48. So it implies G has a subgroup of order 16. अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे. If here 2 to the power 4 plus 1, यानी this is 2 to the power 5, does not divide 48. क्लियर है, क्योंकि 2 to the power 4 maximum है यहाँ पे. 2 to the power 5
करने पे ये 48 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे जो सब ग्रुप का ऑर्डर 16 आ रहा है, वो जो सब ग्रुप होगा वो शेलो टू सब ग्रुप होगा, यानी मैक्सिमल टू सब ग्रुप होगा। सो हियर ऑर्डर ऑफ टू सिलो सब ग्रुप यानी टू एस एस सी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 4, दैट इज 16, बिकॉज हम डेफिनेशन कर चुके टू सेलो सब ग्रुप, यानी पी एस एस जी का डेफिनेशन हमें पता है, वो हमने यहाँ पे देखा। तो हमारे पास टू सेलो सब ग्रुप का जो ऑर्डर आ रहा वो 16 आया, ठीक है। ध्यान से, टू के बारे में हो गया, नाउ थ्री के बारे में। इफ सॉरी सिंस थ्री डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, सो जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर थ्री, मतलब एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर थ्री तो होगा ही होगा, बाकी हमें नहीं पता। कम से कम, क्योंकि ये एटलीस्ट के बारे में कह रहा है, एग्जिस्टेंस बता रहा है, कितने होंगे एग्जैक्टनेस के लिए अब अभी हमारे पास कोई रूल नहीं है। बाकी और भी सीलो थियरम अभी आगे वेट कर रहे हैं, तो वहाँ से बताएंगे वो, लेकिन जो सीलो फर्स्ट थियरम कह रहा है हम वही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सीलो फर्स्ट थियरम एग्जिस्टेंस के बारे में कह रहा है, तो हम एग्जिस्टेंस के लिए ही बात करेंगे यहाँ पे। सो जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर थ्री, ओके। नाउ थ्री टू द पावर 1 प्लस 1, विच इज 3 टू द पावर 3 स्क्वायर, कैन नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो हियर द ऑर्डर ऑफ 3 SSG, ऑर्डर ऑफ 3 सिलो सब ग्रुप इज इक्वल टू 3, यही होने वाला है क्योंकि ये मैक्सिमल पी सब ग्रुप है, यानी मैक्सिमल 3 सब ग्रुप है। सो इसका जो ऑर्डर आ रहा है हमारा, ये 3 आएगा। तो इसके पास हमें 2 सिलो सब ग्रुप हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो 2 SSG है, एक 3 SSG है, जिसका ऑर्डर इस टाइप से गिवेन है, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल 1। नाउ एग्जाम्पल 2, लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 1000। तो इसके पास किस ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे वो हमें बताना है। सो हियर 1000 मीन्स 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। सो हियर सेम यही प्रोसेस यूज करना है हमें, सिंस 2 डिवाइड 1000 ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इट इम्प्लाई जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, 2 स्क्वायर ऑल्सो डिवाइड 1000। सो जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 स्क्वायर यानी 4, 2 क्यूब भी कर रहा है 1000 को, ठीक है। सो जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 यानी 2 क्यूब, सिमिलरली 5 डिवाइड 1000। सो जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, 5 स्क्वायर ऑल्सो डिवाइड 1000। सो जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25, 5 क्यूब इज ऑल्सो डिवाइड 1000। सो जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 क्यूब। अब यहाँ पे एक तो 2 सब ग्रुप मिल रहे हैं, एक 5 सब ग्रुप मिल रहे हैं, तो 2 सिलो सब ग्रुप क्या होंगे, यानी ऑर्डर ऑफ 2 SSG, ऑर्डर ऑफ 2 SSG इज इक्वल टू, एंड ऑर्डर ऑफ 5 SSG इज इक्वल टू क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और आप बताइए, मैं बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ 2 SSG इज दिस 2 रेज़ टू 3 यानी 2 क्यूब यानी 8, बिकॉज 2 3 प्लस 1 2 टू द पावर 4 कैन नॉट डिवाइड 1000, एंड 5 SSG का ऑर्डर जो होगा 125, विच इज 5 क्यूब। सो दिस वन इज बिकॉज सिंस 5 क्यूब प्लस 1 5 टू द पावर 4 कैन नॉट डिवाइड 1000, दैट्स वाई द ऑर्डर ऑफ PSSG आर। तो इस टाइप से हम सिलो PSSG
फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलो फर्स्ट थियरम, प्रूफ ऑफ साइलोस फर्स्ट थियरम। दिस थियरम सेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ प्राइम पावर्ड, दैट इज इसको प्रूफ करने से पहले हमें पता होना चाहिए द स्टेटमेंट ऑफ द सिलोज फर्स्ट थियरम। सिलो फर्स्ट थियरम कहता है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, जी भी है फाइनाइट ग्रुप, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, एंड इफ पी टू द पावर के डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ जी हुज ऑर्डर इज पी टू द पावर के। साइलो फर्स्ट थियरम ये कन्फर्म करता है अगर पी टू द पावर के ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो इसी ऑर्डर का सब ग्रुप ग्रुप के पास पक्का होगा, एटलीस्ट वन तो होगा ही होगा, कन्फर्म है, हो सकता है एक से ज़्यादा हो लेकिन एटलीस्ट वन इज कन्फर्म। जैसे कॉसी थियरम हमने प्रूफ किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इंडक्शन लगाएंगे, ठीक है। सो इट्स प्रूफ बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज वन, दैट इज इफ ग्रुप इज ट्रिवियल, देन इट्स सब ग्रुप इज इट सेल्फ थियरम इज ट्रिवियली ट्रू। सो वी कैन से वी आर डन। फाइनाइट ग्रुप के लिए कहा है सो वन, वन के लिए शो कर दिया। अब हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज एन, देन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ जी माइनस वन। सो हियर इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन विच इज ग्रेटर देन वन, वन होने के लिए तो डन है, ठीक है, ये सब ग्रुप इट सेल्फ होगा, खुद ही होगा। सो लेट मान लेते हैं लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन एन, यानी इसका मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट ये गिवन स्टेटमेंट जो है सारे ग्रुप के लिए होल्ड हो रहा है, दैट इज अगर ग्रुप का ऑर्डर एन से छोटा है तो उन सभी ग्रुप के लिए अगर ये होल्ड हो रहा है तो ये मान लिया, तो हम इसकी हेल्प से ये शो करेंगे ये ग्रुप का ऑर्डर जब एन हो रहा है उसके लिए भी होल्ड हो रहा है, ये शो करना है हमें। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से चलेंगे हम जैसे कॉसी थियरम में हमने किया था वन बाय वन। सो हियर लेट जी हैज अ प्रॉपर सब ग्रुप एच, मान लिया जी के पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप है एच, एंड इफ पी के डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच। एक्चुअली स्टेटमेंट में हमने कहा है कि ये जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो एन से छोटे ऑर्डर के लिए वैलिड है, ट्रू है। अगर ये है तो इट इम्प्लाई एच हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू द पावर के। सो हियर अगर एच हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के है सो इट इम्प्लाई जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के, पी के मीन्स पी रेस टू के, ठीक है, मैं पी के पढ़ रहा हूँ इसे। सो वी आर डन। नाउ इफ पी रेस टू के डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच बट इन द स्टेटमेंट ऑफ द सिलोफस थियरम पी रेस टू के शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप इट इज गिवेन। सो बाय द क्लास इक्वेशन ऑफ द ग्रुप ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेसन ऑफ ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए वेयर ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी। दिस इज द बाय क्लास इक्वेशन। इट इम्प्लाई सिंस पी के डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी सो पी के शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेसन ऑफ ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए पी के डिवाइड होल सम ऑफ दिस पी रेस टू के जो है इसको और इसको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डिवाइड करे ना करे इस सम को डिवाइड करेगा ही करेगा। यहाँ से हमें इतनी सी इंफॉर्मेशन मिली। नाउ हियर
If p raised to k divide order of centralizer of A, एक केस बना लिया हमने. सो देयर एग्जिस्ट, बिकॉज स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर ऑल, दिस इज वैलिड फॉर, क्योंकि हम इंडक्शन से यूज कर रहे हैं, हमने माना है, एजम्पशन है हमारा कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है फॉर ऑल नंबर विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन. सो देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेस टू के of CA, centralizer of A, and since CA is subgroup of G, it imply the subgroup of order PK of G. So we are done. Now if P raised to K does not divide order of centralizer of A, then what happen? Let's see. PK divide nahi kar raha hai. इसका मतलब हो सकता है पी के माइनस वन डिवाइड करे, पी के माइनस टू, या पी डिवाइड करे. सो हम इससे ज़्यादा ठीक ये रहेगा, रादर पी डज नॉट डिवाइड सी ऑफ ए, ये हम लिख लेते हैं. ठीक है, अगर इसके लिए भी अगर पी सी ऑफ ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसके ऑर्डर को, तब भी अगर ग्रुप के पास P रेस टू K का K ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ग्रुप के पास P रेस टू K का सब ग्रुप पक्का मिलेगा. अगर P रेस टू K ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो, ओके. अब यहाँ से देखिए, अगर P ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर को डिवाइड नहीं कर रहा है, वी कैन से हियर P मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ सी ए, बिकॉज पी रेस टू के डिवाइड जी, इट मीन्स पी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी. ठीक, यहां से हम लिख सकते हैं इसको. अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और पी जो है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सी ए, ऑफकोर्स हियर ए कैन नॉट बी जेड जी, को डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो वी कैन से पी ऑल्सो डिवाइड ऑर्डर ऑफ जेड जी. सो ऑर्डर ऑफ जेड जी ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, क्योंकि पी इज द डिवाइजर ऑफ जेड जी. अगर यहाँ पे since p divide order of zg, then there exists a element in zg whose order is p. This is by Cauchy theorem, and a generator x form a subgroup of zg which is also the subgroup of g and which is normal, because x is the element of zg. ठीक है, तो ये x जो है ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, जो भी एलिमेंट x से जनरेट हो रहे होंगे वो सारे ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, वो अल्टीमेटली नॉर्मल की कंडीशन होल्ड करेगा. सो h इजिली नॉर्मल हो जाएगा g में, जैसे h जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, सो वी कैन डिफाइन कोसेंट ग्रुप विच इज जी अपॉन एच. दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी. ऑफकोर्स हियर ऑर्डर ऑफ एच इज ऑर्डर ऑफ एक्स विच इज पी, एंड जी इज द ग्रुप हुज ऑर्डर इज फाइनाइट. So, order of g upon h can be written as order of g upon order of h. Okay. So, and order of h is equal to p. ये तो given है. So, हम ये कह सकते हैं p to the power k minus 1 should divide
ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच। क्यों? क्योंकि जी ऑर्डर ऑफ जी जो है, सिंस पी के शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ये तो है ही, ठीक है, ये तो था ही ऑलरेडी सबसे पहले, पी रेस टू के डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। सो अगर मैं जी ऑर्डर ऑफ जी को पी रेस टू के इंटू क्यू और सम नंबर लिख दूं, तब भी ये पी रेस टू के माइनस वन जो है जी अपॉन एच के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से पी के माइनस वन डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच, ये था। फॉर ऑल द स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर विच इज लेस देन एन, सो दियर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप के बाई एच, क्योंकि जी बाई एच में के बाई एच फॉर्मेट के सब ग्रुप होते हैं। दिस इज सब ग्रुप के बाई एच विच इज सब ग्रुप ऑफ जी बाई एच हुज ऑर्डर इज पी रेस टू के माइनस वन। दिस इज बाय आवर इंडक्शन। सो हियर ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, बिकॉज ऑल आर फाइनाइट, पी के माइनस वन, सो ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू पी के माइनस वन इंटू ऑर्डर ऑफ एच, बट ऑर्डर ऑफ एच इज पी, सो ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू पी रेस टू के। सो यहाँ से दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी बाई एच, सो के मस्ट बी सब ग्रुप ऑफ जी। सो हियर देयर एग्जिस्ट के विच इज सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू पी टू द पावर के। सो वी आर डन। किसी भी केस के लिए अगर हम ग्रुप का ऑर्डर, किसी भी केस में अगर हम पी रेस टू के कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली फॉर ऑल केसेस ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज पी टू द पावर के आ रहा है। सो हियर द थियोरम इज कम्प्लीटली प्रूव। सो इस तरीके से सिलो फर्स्ट थियोरम का प्रूफ हो गया है। ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है, इसका प्रूफ देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साइलो सेकंड थियरम और उसके एप्लीकेशन और रिलेटेड जो भी डेफिनेशन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। साइलो फर्स्ट थियरम क्या कहता है, स्टेटमेंट कम से कम आपको याद होना चाहिए, प्रूफ अगर याद हो या ना हो, लेकिन स्टेटमेंट क्या कहता है वो ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ को समराइज कर देते हैं थोड़ा सा। इसमें हमने क्या किया, ओके, ग्रुप का ऑर्डर लिया सबसे पहले, ओके, ग्रुप का ऑर्डर एक बार हमने ट्रिवियल लिया, ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं ग्रुप का ऑर्डर वन, तो यहीं पे ये डन हो गया। लेकिन अब ग्रुप का ऑर्डर हमने एन लिया विच इज ग्रेटर देन वन। जब ग्रुप का ऑर्डर हमने एन इज ग्रेटर देन वन लिया, तो ये जो भी नंबर होगा प्राइम या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में होगा, तो इसको जो है कोई ना कोई नंबर डिवाइड करेगा ही करेगा, कोई ना कोई प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। सो अगर कोई प्राइम एन को डिवाइड करेगा तो उस ऑर्डर का एलिमेंट उसके अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉसी थियरम कहती है प्राइम ऑर्डर एलिमेंट उसके अंदर है, तो उसी से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप होगा वो जी का सब ग्रुप होगा, ठीक है। मान लिया हमने एच के पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप है जो कि एच है। अब एच इसके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, तो हमने केस बनाया अगर पी के डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच एंड पी के का मतलब पी रेस टू के डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच। अगर पी के एच डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो हाइपोथेसिस था कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन एन, उसके लिए वैलिड था। सो हियर पी रेस टू के इज लेस देन एन, हियर पी रेस टू के इज लेस देन एन, सो दिस इज डन बिकॉज
इट हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के, सो ये यहीं पे डन हो गया। अगर अफकोर्स हियर दिस इज सेम, पी के इज लेस देन एन, सो दिस डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच। अगर ये ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करता, तो हमने क्लास इक्वेशन की हेल्प से ये कहा पी के जो है डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए को। अफकोर्स पी के इज लेस देन एन, तो अगर पी के लेस देन एन है तो ये जो होगा वैलिड हो जाएगा और सी ए के पास ऑर्डर पी टू द पावर के का सब ग्रुप मिलेगा। ओके, सिमिलरली अब ये केस है, अब ये जो होगा पी के डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ सी ए। अफकोर्स हियर हमने कहा केवल पी के ही नहीं, अगर पी भी कोई प्राइम भी अगर डिवाइड नहीं करता हो, क्योंकि कोई प्राइम डिवाइड करेगा तो उसके अंदर उसी प्राइम पी के ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा, तो वहाँ से सब ग्रुप बना लेगा। लेकिन हमने ये कहा ये ऑर्डर ऑफ सी ए पी भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो पी भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हमने कंस्ट्रक्ट किया कूसेंट ग्रुप। यहाँ पे डन हो गया, ठीक है, यहाँ पे डन हो गया। जहाँ डन नहीं हो रहा है उसको हम चैन बना के चल रहे हैं। अब यहाँ से हमने कूसेंट ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया बाय, अगर पी इसको नहीं डिवाइड कर रहा है सी ए को, तो पी डिवाइड कर रहा है जेड जी को, ठीक है। अगर जेड जी को डिवाइड कर रहा है पी, तो यहाँ से हमें मिल गया कोई सब ग्रुप के हुज ऑर्डर इट पी टू द पावर के, तो फाइनली हमें ये मिला। ओके, थोड़ा सा आप ध्यान ले रहे हैं ना, ये पी के माइनस वन जो है, सॉरी, ये जो एन ऑर्डर लिखा है, एक्चुअली ये ऑर्डर पी रेस टू के माइनस वन लेस देन एन लिखना चाह रहे थे। थोड़ा इसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा, ये फर्स्ट में था। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन एन का है, ठीक। सो यहाँ पे ये पी रेस टू के होगा। ओके, सिमिलरली दिस इज, तो इस तरीके से हमने सेलो फर्स्ट थियोरम का प्रूफ किया। आप कॉची थियोरम को भी ऐसे समराइज करके लिख लीजिएगा, इससे पता चलता है कि आपने कैसे उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो दिस इज द समरी ऑफ द प्रूफ ऑफ सेलो फर्स्ट थियोरम।